बढ़िया सगैना माझी स्क्रीन विजिबल आहे. ओनली 3 स्टूडेंट्स आर देअर बट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुडे कारण आपला कालच लेक्चर कॅन्सल केलं. ठीक आहे, सो आज आपण घेणार आहोत लेट इट बी दोज हू आर अबसेंट विल गो थ्रू दी वी. ओके, तर लास्ट लेक्चरला माझा आवाज सगळ्यांनाच काही डिस्टर्बन्स होत आहे का की क्लिअर येतोय? रमन जी, मौसमी जी, आप बताइए. बिकॉज आय हॅव फुल वायफाय नेटवर्क सो आय डोंट थिंक सो की कोई नेटवर्क प्रॉब्लेम है. येस रमन जी, मौसमी जी, आप भी बताइए कि मेरी आवाज अ लिटिल. ओके, आई विल रिजॉइन. वेट. Is it clear now? Am I clear now? Okay. Yes. Chala, tar last lecture la I think Pradipta ji aapka read karke ho chuka hai. Oh, translation ho gaya hai madam. Yes, okay. Raman ji aapka bhi ho chuka hai I think. हो मॅडम. ओके, फक्त मौसमी जी तुमचं राहिलं आहे तर आता. ओके, तो आप क्या करोगे, आप लास्ट में इन दोनों का होने के बाद डायरेक्टली पहले कन्वर्सेशन पढ़ोगे और बाद में क्या समझा है वो बताओगे. यू कैन गो लाइन बाय लाइन और डायलॉग बाय डायलॉग. लेकिन नाउ यस प्रदीप्ता जी एंड रमन जी, आपने पहले पढ़ लिया है एंड ऑलमोस्ट एक वीक हो गया अभी. लाइक लास्ट थर्सडे वी हैड अवर लेक्चर नंबर 52. सो आपको अभी यू आर नॉट गोइंग टू से लाइक लाइन बाय लाइन और डायलॉग बाय डायलॉग नहीं जाना है. ओके, आप पढ़ेंगे नहीं. लाइक आप ओरली मुझे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक मराठी मध्ये जे लिहिलेलं आहे ते तुम्ही नाही वाचणार. डायरेक्टली तुमच्या लाईक तुमच्या मदर टंगमध्ये मी नाही म्हणू शकत बट हिंदी और इंग्लिशमध्ये तुम्ही मला ते समजवायचं आहे. येस, यू ऑल यू बोथ आर रेडी? येस. ओके, प्रदीप्ता जी आप शुरुआत कीजिए. आपने पोस्ट किया था ग्रुप पे बट आई हैव आस्क के आपको यहाँ पे मुझे बोल के दिखाना है. ओके, यस प्रदीप्ता जी, यू कैन स्टार्ट. आई थिंक प्रदीप्ता जी का कुछ नेटवर्क इश्यू है एज शी सेड इन द लास्ट लेक्चर. राइट, ओके सर अमन जी आपसे शुरुआत करेंगे. ओ मैडम, रविवार छुट्टी का दिन, लड़के मैदान में खेलते खेलते वो थक गए और मैदान के बाजू बैठने की एक जगह पे जाके बैठ गए और तब उनके बीच में गपशप शुरू हो गए. तो वहाँ बच्चा बोल रहा है, तेजस, अरे रमेश, आज तुम्हारे हाथ में राखी कैसे? तो रमेश बोलता है, अरे मेरी बहन ने मेरी मेरे लिए पोस्ट से राखी भेजी है, तो जो आज मुझे मिली है. तो मैं फटाफट उसको हाथ पे मैंने राखी बांध ली. उसके बाद अन्ना बोलती है कि मैंने भी राखी पोस्ट किया है. और अम्मी अम्मी अच्छा अर्थ हो तो हमने हाँ हमने हमने भी राखी पोस्ट किया है और उनको मिला होगा. तो कविता बोलती है, किनको भेजा राखी? तो अन्ना बोलती है, मेरे स्कूल में
एक कार्यक्रम है, मतलब एक अरेंजमेंट है जिसमें कि हम लोग नहीं स्कूल के टीचर हम लोगों को राखी जमा करने के लिए राखी लाने के लिए बोलती है। उसके बाद सबका जमा हो जाने के बाद फिर राखी को हम लोग सीमा पे जो सैनिक है उनको हम भेजते हैं और उनको साथ में शुभेच्छा पत्र भी भेजते हैं। तो तेजस बोलता है सीमा के सैनिकों को क्यों? तो अन्ना अन्ना बोलती है कि सैनिक हमारे देश अपने अपने बंधु बांधव से या परिवार वालों से दूर सीमा पे रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं, तो इसलिए हमें उनके लिए राखी भेजना चाहिए। तो कविता बोलती है बहुत अच्छा, मेरे मेरे जान पहचान के एक अंकल अनाथाश्रम चलाते हैं और वहाँ उस अनाथाश्रम में भी काफी बच्चे हैं और उनके कोई भी सगे संबंधी नहीं है, तो हम लोग हर वर्ष राखी तैयार करके उधर जाते हैं और उनको राखी बांधते हैं, तो और उनको 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 इससे खूब आनंद मिलता है, तो वो खूब खुश होते हैं। तो तेजस बोलता है तुम राखी बनाने के लिए कौन कौन सा सामान यूज करते हो? तो कविता बोलती है अरे उसके लिए हम रंगीन मखमली कागज, गोंद, मनी, रंगीन रंगीन रंगे हुए स्पंज, ऐसे वस्तु यूज करते हैं। तो रमेश बोलता है हाँ हम लोगों ने भी स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया और क्लास की लड़कियों ने मुझे हमें राखी बांधा और हम लोगों ने उन्हें गिफ्ट दिया। फिर ओलावनी मतलब गिफ्ट होता है ना मैडम? यस ओवारनी, हाँ ओवारनी मतलब गिफ्ट होता है। मुझे मुझे रेखा ने राखी बांध दी और मेरी मेरी भेंट दी हुई पेन उसको खूब पसंद आई। तो सतीश बोलता है कि दीदी ने दीदी को स्कूल में राखी तैयार करने के लिए सिखाया गया था, तो दीदी ने घर में राखी तैयार किया और वही और मैंने भी उनको मदद किया। फिर दीदी ने अपने तैयार की हुई राखी मुझे बांध दी। तब तेजस बोलता है मुझे भी मेरी दीदी ने पाट पर मतलब बैठक पाट बिछाने वाला जो बैठक ये होता है चटाई उस पे बिठाया और उसके चारों ओर रंगोली बनाई। फिर मुझे आरती की और फिर हाथ पे राखी बांधी, फिर मुझे लाड़ू खिलाया और फिर मैंने भी झुक के ताई को प्रणाम किया। इसके बाद तेजस की मम्मी ने उन्हें उसे आवाज दिया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। वेरी गुड वेरी गुड। आपको जो भी समझ में आया है आपने बहुत अच्छी तरह से सबके सामने रखा है। वेरी गुड, धन्यवाद मैडम। यस प्रदीप्ता जी, क्या आप अभी बोल सकते हो? यस आई थिंक शी इज स्टिल फेसिंग सम नेटवर्क इश्यू। हेलो मैडम, हाँ मैं बोल पाती हूँ। हाँ ओके, ये रक्षाबंधन रविवार छुट्टी का दिन है, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। उन लोग खेलते खेलते थक गए और मैदान के बगल में एक बैठने की जगह थी, उस पर बैठ गए। बगल में नहीं, फिर उन लोग बातचीत करने लगे। तेजस, अरे रमेश आज हाथ पर राखी कैसे? रमेश, अरे दीदी ने मेरे लिए डाक से राखी भेजी थी, वो मुझे आज मिली, मैंने तुरंत हाथ पर राखी बांध दिया।
है ना, हम लोगों ने डाक से ही राखियों को भेजा था, उनको वो मिल गया होगा। कविता किन लोगों को भेजा था, है ना? अरे हमारे स्कूल में हम लोगों ने एक परियोजना किया, टीचर ने हमें स्कूल में राखी लाने को कहा था, इकट्ठा हुई राखियों को हम लोगों ने सीमा पर रहे सैनिकों को भेज दिया, उनके साथ शुभेच्छा पत्र भी भेजा। तेजस, सीमा पर रहे सैनिकों को क्यों, है ना? सैनिक अपने परिवार से दूर सीमा पर रहते हैं, वो देश की रक्षा करते, इसलिए हम लोगों ने उनके लिए राखियों को भेजा। बहुत अच्छे, जान पहचान के एक चाचा जी वहाँ, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके कोई भी सगे संबंधी नहीं है, हम लोग हर साल राखियां तैयार करके वहां जाकर उनको राखियां बांटते हैं, उनको बहुत खुशी होती है। तेजस, तुम लोग राखी बनाने के लिए कौन कौन सा सामान इस्तेमाल करते हो? कविता, अरे उसके लिए हम लोग रंगीन मखमली कागज, गोंद, मोती मनका, रंगीन स्पॉन्ज और ऐसे ही सामान का इस्तेमाल करते हैं। रमेश, हम लोगों ने भी स्कूल में रक्षाबंधन मनाया, क्लास की लड़कियों ने हम लोगों को राखी बांधी, मेरे उपहार में दिया हुआ पेन उन्हें बहुत पसंद आया। सतीश, दीदी के स्कूल में राखी बनाना सिखाया जा रहा है, दीदी ने घर में राखी तैयार किया, मैंने भी उनको मदद किया, दीदी ने खुद की बनाई हुई राखी मुझे बांधी। तेजस, मेरी दीदी ने मुझे पीढ़ी पर बैठाई, आजू बाजू में रंगोली बनाई, मेरी आरती उतारी, हाथ पर राखी बांधी, मुझे लड्डू खिलाई, मैंने दीदी को प्रणाम किया। इतने में तेजस की माँ ने उसको पुकारा और सब कोई अपने अपने घर गए। यस, वेरी गुड। प्रदीप्ता जी, तुम्ही पाटावर साठी काय शब्द वापरला? I don't know, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पीढ़ी बोला मैंने, पीढ़ी बोले तो छोटा सा पीढ़ा बोलना चाहिए एक्चुअली शायद। हाँ। हम लोग बंगाली में पीढ़ी बोलते तो मैंने उसी को बोल दिया। हाँ, ठीक है। एक्चुअली मुझे जो भी हिंदी वर्ड है वो याद ही नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड यू, थैंक यू। नेक्स्ट मौसमी जी, ओके आप डायरेक्टली कन्वर्सेशन पढ़ के एक्सप्लेन करेंगे, ओके? बिकॉज आपने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा। रक्षाबंधन। रविवार सुट्टीचा दिवस, मुले मैदानावर खेळत होती, खेळून खेळून दमली आणि मैदानाच्या बाजूला असलेल्या एका कट्ट्यावर बसली, त्याचा गप्पा गस्ती सुरू झाला। तेजस, अरे रमेश आज हातावर राखी कशी? रमेश, अरे ताईने माझ्यासाठी पोस्टानं राखी पाठवली, ती मला आजच मिळाली, मग मी लगेच हातावर राखी बांधली। अना, आम्ही पोस्टानं राखा पाठवला त्यांना त्या मिळाला असतील। कविता, कुणाला पाठवला ग? अना, अग आमच्या शाळेत आम्ही एक उपक्रम केला, बाईनी आम्हाला शाळेत राखा आणायला सांगितलं होतं, जमलेला सगळ्याच राखा आम्ही सीमावरच्या सैनिकांना पाठवला, त्यासोबत शुभेच्छा पत्रही पाठवलं। तेजस, सीमेवरच्या सैनिकाचं का? अना, सैनिक आपल्या कुटुंबापासून दूर सीमेवर असतात, देशाचं रक्षण करतात, म्हणून आम्ही त्याच्यासाठी राखा पाठवला। कविता, खूपच छान। अगो आमच्या अडखीचे एक काका अनाथ आश्रम चालवतात, तिथं बरीच मुलं आहेत, त्यांना कधीही नातेवाईक नाहीत, आम्ही दरवर्षी राखा तयार करून तिथे जाऊन त्यांना राखा बांधतो, त्यांना खूप आनंद मिळतो। तेजस, तुम्ही राखी बनवण्यासाठी कोण कोणतं साहित्य वापरलं? कविता, अरे त्यासाठी आम्ही रंगीत मखमली कागद, गोंडे, मोनी, रंगीत स्पॉन्ज असा वस्तू वापरला। रमेश, आम्ही पण शाळेत रक्षाबंधन केलं, वर्गातल्या मुलींनी आम्हाला राखा बांधला, आम्ही पण त्यांना ओवाळली घातली, मला रेखांना राखी बांधली, मी भेट म्हणून दिलेल पेन त्याला खूप आवडलं। सतीश,
ताईच्या शाळेत राखी तयार करायला शिकवला होतो. ताईनी घरी राखी तयार केली, मी पण तिला मदत केली. ताईनी स्वतः तयार केलेली राखी मला बांधली. तेजस, मला तर माझ्या ताईने पाटावर बसवले, तवावरती रंगोली काढली, मला ओवाळलं, हातावर राखी बांधली, मला लाडू भरवला. मग मी ताईला वाकून नमस्कार केला. इतक्यात तेजसला त्याच्या आईने हाक मारली आणि सर्वजण आपापल्या घरी गेले. जस्ट वन करेक्शन, राख्या, राख्या, ओके, एक राखी अनेक राख्या. ओके, अभी आप एक्सप्लेन करोगे. रविवार छुट्टी का दिन है, बच्चे लोग प्लेग्राउंड में खेल रहे थे. खेलते खेलते थक गए और प्लेग्राउंड के बाजू में एक बेंच में बैठ गया. उधर बैठ के वो लोग गप्पा मारना चालू कर किया. तेजस रमेश ने पूछा, आज हाथ में राखी कैसे आ गया? रमेश ने बताया कि उसकी दीदी ने बाय पोस्ट में राखी भेजा और वो राखी आज ही मिला और मिलते ही वो इमीडिएटली हाथ में वो राखी बांध लिया. अन्ना ने कहा कि हम लोग भी राखी बाय पोस्ट में भेजते हैं और वो राखी उनको मिलता है. कविता ने पूछा, किसको भेजते हैं? नो वेट, हाँ वेट वेट, वन करेक्शन. यहाँ पे आपने जो टेंस है वो अलग यूज किया है. भेजते है ना, नहीं, हम लोग पोस्ट से ही, हमने भी पोस्ट से राखियाँ भेजी और अब तक वो उन्हें मिल गई होंगी. ओके, अस्तित्व होंगी भविष्य काल. ओके, यस. हाँ, कविता ने पूछा, किसको भेजा? अन्ना ने कहा कि हमारा स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ है, उसमें हमारे टीचर ने हमको राखी लाने के लिए कहा था और सारे जमा हुआ राखी हम लोग बॉर्डर में जो सैनिक है हम उनको भेजा और उनके राखी के साथ हम लोग उसका शुभेच्छा पत्र भी भेजा है. तेजस ने पूछा कि सीमा पर बॉर्डर में सैनिकों को क्यों? अन्ना ने कहा कि सैनिक अपना रिलेटिव से बहुत दूर बॉर्डर में रहते हैं, देश को रक्षा कर रहे हैं और इसीलिए हम उनको राखी भेजते हैं. कविता ने कहा, यह बहुत अच्छा है. हमारा भी पहचान वाला एक चाचा जी ने एक अनाथ आश्रम चलाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उस बच्चे का कोई रिलेटिव नहीं है, इसलिए हम एवरी ईयर उनके लिए राखी बनाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उनको राखी बांधते हैं और उन बच्चों को बहुत खुशी मिलते हैं. तेजस ने पूछा कि राखी, तुम लोग राखी बनाने के लिए कौन कौन सामान यूज करते हो? कविता ने कहा कि हम लोग राखी बनाने के लिए कलरफुल पेपर, गंडे, मोनी, कलरफुल स्पॉन्ज, इस टाइप का सामान यूज करते हैं. रमेश ने कहा कि हम लोग भी स्कूल में रक्षाबंधन करते हैं, तो हमारे क्लास के जो लड़कियां हैं वो हमें राखी बांधते हैं, हम उनको गिफ्ट देते हैं, हमारे दिया हुआ गिफ्ट पिन उनको बहुत पसंद आया. सतीश ने कहा कि दीदी के स्कूल में राखी तैयार करना सिखाते हैं और दीदी घर में राखी तैयार किया है, दीदी को मैंने हेल्प किया है और दीदी खुद से बना हुआ राखी मेरे हाथ में बांध के दिया है. तेजस ने कहा कि मेरी दीदी ने मुझे एक पीड़ा पर बैठाते हैं, फिर उसकी आजू बाजू में रंगोली किया है, फिर उसके बाद मुझे आरती किया, हाथ में राखी बांध के दिया, मुझे लड्डू खिलाया और मैं छुप के दीदी को प्रणाम किया. इस टाइम पे तेजस की मम्मी ने आवाज दिया और सारे बच्चे ने अपना अपना घर चले जाते हैं. एंजल, आपने पढ़ा था एंजल? यस मिस, आई लर्न्ड बट आई नॉट अंडरस्टैंड फ्यू वर्ड्स एंड फ्यू सेंटेंसेस. ओके, यू कैन आस्क मी. आप स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे आपको नहीं आएगा आई एम गोना हेल्प यू. ओके, ओके मिस. रविवार सुट्टीचा दिवस, मुले मैदानावर खेळत होते होती, खेळून खेळून दमली आणि मैदानच्या बाजूला असलेल्या एका खट्यावर बसली. कट्ट्यावर बसली, त्याचा गप्पा गोष्टी त्यांच्या
गप्पा गोष्टी सुरू झाली झाल्या अरे रमेश आज हातावर राखी कशी अरे ताईन माझ्यासाठी पोस्टान राखी पाठवली ती मला आजच मिळाली मग मी लगेच हातावर राखी बांधली आम्ही पोस्टानच राख्या पाठवल्या त्यांना त्या मिळाला असतील कोणाला पाठवल्या ग अगं आमच्या शाळेत आम्ही एक उपक्रम केला बाईंनी आम्हाला शाळेत राख्या आणायला सांगितल्या होता सांगितल्या होता जमलेल्या होत्या जमलेल्या सगळ्या राख्या आम्ही सीमेवरच्या मिस व्हॉट इज सीमेवरच्या बॉर्डर बॉर्डर पे जो सोल्जर्स होते उनको भेजे सीमेवरच्या सैनिकांना पाठवल्या त्या सोबत शुभेच्छा पत्रही पाठवले सीमेवरच्या सैनिकांनाच का एंजल प्लीज मेंशन हु इज सेइंग ओके मिस ओके एना एना सैनिक आपल्या कुटुंबापासून दूर सीमेवर असतात देशाच रक्षण करतात देशाचं रक्षण करतात म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी राख्या पाठवल्या खूप छान अग आमच्या ओळखीचे एक काका अनाथाश्रम चालवतात तिथं बरीच मुलं आहेत त्यांना कोणीही नातेवाईक नाहीत आम्ही दरवर्षी राख्या तयार करून तिथे जाऊन त्यांना राख्या बांधतो त्यांना खूप आनंद मिळतो तुम्ही तेजस तुम्ही तुम्ही राखी बनवण्यासाठी कोणकोणतं साहित्य वापरले कविता अरे त्यासाठी आम्ही रंगीत मखमली कागद गोंदे मणी रंगीत स्पंज अशा वस्तू वापरल्या आम्ही पण शाळेत रक्षाबंधन केलं वर्गातल्या मुलींनी आम्हाला राख्या बांधल्या आम्ही पण त्यांना ओवाळणी घातली मला रेखांना राखी बांधली मी भेट म्हणून दिलेला पेन तिला खूप आवडलं सतीश ताईचे शाळेत राखी तयार करायला शिकवलं होत ताईने घरी राखी तयार केली मी पण तिला मदत केली ताईने स्वतः तयार केलेली राखी मला बांधली मला तर माझ्या ताईने पाठावर बसवलं त्या भोवती रांगोळी काढली मला ओवाळे हातावर राखी बांधली
मला लाडू भरवली मग मी ताईला वाकून नमस्कार केलं. इतक्या तेजसला त्याचा आईने हाक मारली आणि सर्वजण आपल्याला आपापल्या घरी गेलं. ओके, नाउ कॅन यू एक्सप्लेन इट? यस मिस. इट वॉज अ संडे मॉर्निंग. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन अ प्ले ग्राउंड. आफ्टर दे प्लेड दे वर टायर्ड एंड सैट समवेयर एंड दे आर टॉकिंग स्टार्टेड. तेजस आस्क्ड रमेश, why have you put the rakhi on your hand today? Ramesh answered, my sister sent the rakhi through the post and as soon as it got here I wore it. Anna said sorry miss, I was just Anna said I also send the rakhi through the post. We, you should use we. Okay, ami, we, hum. Okay miss. We also send the rakhis through the post. Kavita asked, to whom did you send the rakhi? Anna said, in my school. What is upkram? Upakram, what do they call it as? Project. Okay, miss. Project. Upakram is project, prakalpa, upakram. Okay? Yes, miss. Anna said, in my school, they taught us a project on how to make how to make rakhis. They asked the teachers asked the students to bring rakhis, and they collected the rakhis and they send it to the soldiers on the border. Yes, Miss Bold. They send it to the soldiers on the board. Border. And they just ask, why to the soldiers on the border? Then Anna answered, the soldiers stay away from the family. Yeah, the soldiers stay away from the family and protect us, our country. So that's why I send the rakhi to them. Kavita said, very good. I do not understand this also, miss. This Olkiche kaka. अनाथ आश्रम चालवतात, मतलब हमारे पहचान वाले एक अंकल अनाथ आश्रम चलाते हैं. तिथे बरीच मुलं आहेत, वहां पे बहुत बच्चे हैं. त्यांना कोणीही नातेवाईक नाहीत, उनको कोई भी रिलेटिव्स नहीं है. आम्ही दरवर्षी राख्या तयार करून तिथे जाऊन त्यांना राख्या बांधतो. सो हम लोग हर साल राखी तयार करते हैं और वहां जाके उनको राखी बांधते हैं. त्यांना खूप आनंद मिळतो, वो सब लोग खुश होते हैं. Yes, miss. Go to the next. Yes, miss. Tejas said, what materials do you use for making these rakhis? Kavita said, I use materials like colorful papers and sponge,
मिस व्हाट इज गोंदे 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 एंड मणि? गोंडे इज द पॉम पॉम्स एंड ऑल वी यूज फॉर डेकोरेशन ना, दैट वी इन मराठी कॉल्ड इट एज गोंडे. एंड मणि बीड्स. यस मिस, बीड्स एंड पॉम पॉम्स. रमेश सेड इवन इन आवर स्कूल वी डिड रक्षाबंधन. इन आवर क्लासरूम द गर्ल्स टाइड अस राखीज एंड वी गेव देम द गिफ्ट्स. आई गेव द गर्ल हु टाइड मी राखी, हर नेम वॉज रेखा एंड आई गेव हर अ गिफ्ट एज अ पेन एंड शी लाइक्ड इट. सतीश सेड इन माई सिस्टर स्कूल दे टॉट हर हाउ टू मेक राखीज. शी मेड अ राखी फॉर मी एंड आई हेल्प्ड हर एंड देन शी टाइड इट ऑन मी. तेजस सेड माई सिस्टर, आई नॉट अंडरस्टैंड दिस पैर ऑल्सो मिस. Okay, in your language, what do you call this thing? जो हम पूजा के लिए वगैरह उस पे बैठते हैं, मराठी में त्याला पाट म्हणतात. जैसे प्रदीप्ता जी ने कहा पीरा कहा जाता है, आप क्या बोलते हो उसे? I don't know, लकड़ी का miss. होता है जिस पे बैठते हैं हम. No, miss, I don't know. Okay, so you use the word पीरा. Okay. This is the Hindi word for this. Satish is saying, no, sorry. Tejas is saying के मुझे मेरी बहन ने पीरा पे बिठाया, उसके बाजू में रंगोली निकाली, मेरी आरती थी, मेरे हाथ पे राखी बांधी एंड मुझे लड्डू भी खिलाया. मैंने भी दीदी को झुक के नमस्कार किया. इतने में तेजस की माँ ने उसे पुकारा और सब लोग अपने अपने घर चले गए. यस थैंक यू मिस. सो एवरीवन इज डन राइट? ओके देन. सो अपने सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. यस एंजल टेल मी यू आर इन विच स्टैंडर्ड नाउ? आई विल बी गोइंग टू 7 दिस जून. यू आर गोइंग टू 7. स्टेट बोर्ड और सीबीएसई? State board, state board. Okay, so you have Marathi since? I have Marathi since third. Third, okay. तर आज आपण एक वचन आणि अनेक वचन पुन्हा एकदा रिवाइज करणार आहोत. See, as sir have told you, कि आपको बताया गया था कि आपके ये जो सेशंस होंगे, इसमें पहले सेशंस में, पहले 50 सेशंस में आप जो कुछ सीख चुके हैं उसको इस तरह दोहराया जाएगा कि एकदम बेसिक नहीं. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू बेसिक. अब हम लोग जो भी हमने बेसिक सीखा है उसका यूज करके थोड़ा एडवांस में जाएंगे. लाइक आता पहिल्यांदा मी वाक्य वगैरह बनवून दाखवायचे, तुम्हाला मी बोलून दाखवायचे. आता तसं नाही. यू आर गोइंग टू मेक युअर ओन सेंटेन्सेस. आय एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आय एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन इंग्लिश अँड देन यू आर गोइंग टू ट्रान्सलेट इन मराठी. ओके, नथिंग विल बी लाईक दॅट. तर इथे एक वचन आणि अनेक वचन, काही शब्द, काही वस्तू, कुछ थिंग्स के एक वचन अँड अनेक वचन हमें दिए गए है. मैं पहले पढूंगी, आपको कोई वर्ड अगर न्यू लग रहा है तो यू कैन आस्क मी फॉर मीनिंग एंड अदरवाइज डायरेक्टली आपको सेंटेंसेस बना के दिखाने हैं. ओके, आकृति, एक आकृति, अनेक आकृतियां. एक अंबा, अनेक अंबे. एक ओढ़नी, अनेक ओढ़णिया. ओढ़ने नहीं, ओढ़णिया. ये आपको याद ही रखना है. एक वचन आणि अनेक वचन करायचे पण रूल्स असतात. जसं शब्द इकारार्थी आहे की उकारार्थी आहे. ओके, बट दॅट विल गो इन टू अ व्हेरी डीप ग्रामर. जर तुम्हाला
सांगा मला तुम्ही जर मी जर अगर मैंने आपको ये एक वचन अनेक वचन कैसे चेंज होता है वो ग्रामेटिकली सिखाया सो आप एडजस्ट हो सकते हो मराठी ग्रामर आकृतीज डायग्राम इंजन यस अगर ना नॉट टुडे आज आपण नॉर्मल वेनी शिकणार पण हे जे आकृतीचं आकृत्या झालं पण आंबा आंबे झालं आंब्या नाही झालं राईट हे ग्रामर आहे यस आप लोग ऍडजस्ट हो जाओगे यू विल गो स्लोली आपण एकदम स्लो जाणार कारण मराठीच तुमच्यासाठी नवीन आहे तर मराठी ग्रामर लाईक यू डोंट नथिंग यू नो नथिंग अबाउट इट राईट म्हणून आपण एकदम स्लो जाणार पण जर तुमची इच्छा असेल तर मला असं वाटतं की आपण ग्रामॅटिकली जाऊया कारण ग्रामॅटिकली चेंजेस कसे होतात मग तुम्हाला लक्षात ठेवावं नाही लागणार ओके फिर आपको इतना याद करने की जरूरत नाही होगी अगर आप ग्रामॅटिकली जाओगे तो यू विल बी लाईक ओके ये वर्ड हे इकारांती तो उसका अनेक वचन त्या होगा सो आकृती आकृत्या ओके ऐसे आपको इजिली समझ में आ सकता है सो ओनली वन रिप्लाई आई हैव गॉट रमन जी ने सिर्फ हाँ कहा है व्हाट अबाउट अदर्स मौसमी जी प्रदीप्ता जी एंजल व्हाट यू थिंक एंजल आपको तो अभी सीख भी रहे हो सो फॉर यू इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड इजी ऑल्सो ओके ओके थँक्यू चला तर आज आपण नॉर्मल वेने जाऊया एक आकृती अनेक आकृत्या एक आंबा अनेक आंबे एक ओढणी अनेक ओढण्या ओढणी दुपट्टा ओके एक काच अनेक काचा एक कावळा अनेक कावळे एक काटा अनेक काटे काटा काटे जो रहते हैं फूल में फिश में ओके थॉर्न्स एक कुत्रा अनेक कुत्रे एक केळे अनेक केळे नाउ नाउ टेल मी ये पूरा जो टेबल अभी मैंने पढ़ा किसी को किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया है ऐसा कुछ है इज देयर एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड एस एंजल Yes, Angel. Yes, miss. I don't understand the meaning of can you go a little down? Yes, miss. I don't understand the meaning of kacha. Kach ani kacha. Yes, miss. Kach material glass. Okay. एक पडलेलं असेल तर काच अरे इथे एक काच पडली आहे आणि जास्त असतील तर अरे इथे किती काचा पडल्या आहेत ओके यस मिस यस नेक्स्ट एक खुर्ची अनेक खुर्च्या एक खूण खूण मार्क एक खूण अनेक खुणा एक घोडा अनेक घोडे एक चांदणी अनेक चांदण्या एक चिमणी अनेक चिमण्या एक चिंच अनेक चिंचा एक चुक अनेक चुका एक जखम जखम मतलब कुछ लगने के बाद जो वन होता है उसको जखम बोलते हैं एक जखम अनेक जखमा एकदा एकदा एक खुर्ची अनेक खुर्च्या एक खून अनेक खुणा एक घोडा अनेक घोडे एक चांदणी अनेक चांदण्या एक चिमणी अनेक चिमण्या एक चिंच अनेक चिंचा एक चूक अनेक चुका चूक गलती और जो भी नेल होता है ना खील खील बोलते है ना येस उसको भी त्याला सुद्धा मराठीत खिळा
आणि जे छोटी असते उसके उससे थोडा छोटा होता है उसे चूक भी कहते हैं कि त्याला चूक पण म्हणतात मराठी में. बट दिस चूक इज गलती मिस्टेक. एक जखम अनेक जखमा. ओके इस टेबल में किसी को कोई डाउट है, कोई वर्ड जो नहीं समझ में आया है इतिहास में? लास्ट, एक दरवाजा अनेक दरवाजे, एक दीवार अनेक दीवे, एक दौरा अनेक दौरे, एक नदी अनेक नदियां, एक पर्दा अनेक पर्दे, एक पिशवी अनेक पिशवियां, एक पुस्तक अनेक पुस्तकें, एक पेढ़ा अनेक पेढ़े, एक पंखा अनेक पंखे. ओके इन दिस एनी डाउट? ओके तर आत्ता मी नाव घेणार, त्याने प्रत्येक टेबलमधून मी सांगेल त्या शब्दाचे दोन्ही वचनमधले वाक्य बनवून सांगायचे आहेत मला. यस प्रदीप्ताजी, एनी डाउट? मैडम, ये दोरा दोरा क्या हुआ? थ्रेड थ्रेड दोरा थ्रेड. हाँ थ्रेड. ओके थैंक यू मैडम. ओके सो हम शुरुआत करेंगे मौसमी जी से. मौसमी जी माइक ऑन कीजिए. अंबा, मी अंबा खाती. दोनों आपको अनेक वचन वाला भी बोलना है. मला मला खूप आंबे पाहिजे. कावळा, कावडा काळा रंगाचा पक्षी आहे. कावडे मैदानावर अनेक कावडे आहेत. खुर्ची, ही माझी खुर्ची आहे. आमच्या खुर्च्या आमच्या खुर्च्या कुठे आहेत? वेरी गुड. चूक, चूक. गलती. हा तुझा चूक आहे. ही ही तुझा चूक आहे. हे कॅल्क्युलेशन मध्ये खूप चुका आहेत. वेरी गुड. नदी, माझ्या गाव मध्ये एक नदी आहे. नदी ह्या नद्या खूप सुंदर आहेत. ओके माइक बंद कर दीजिए. नेक्स्ट एंजल. यस मिस. आकृति. आकृती आकृती सॉरी मिस, नॉट गेटिंग एनी वर्ड फॉर आकृती, सेंटेंस और आकृती. वाई आकृति इज डायग्राम, तो आपको तो आना चाहिए. डायग्राम. मला आकृती काढायला खूप आवडते. आकृत्या सारे सर्व मुले आकृत्या बनवतो. काढत आहेत, सर्व मुले आकृत्या काढतात किंवा काढत आहेत. काढत आहे. मला आंबा खूप आवडते. वेट 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 वेट, आय एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट वर्ड. कुत्रा. सॉरी मिस, सॉरी मिस. कुत्रा.
कुत्रा एक पाळीव प्राणी आहे. कुत्रे आमच्याकडे खूप कुत्रे आहेत. चांदणी आणि चांदणी. मी सेडून वर्ड चांदणी स्टार स्टार. मला मिस व्हॉट इज ब्राइट मराठी. ब्राइट तेजस्वी. तेजस्वी. हा चांदणी 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 ही चांदणी खूप तेजस्वी आहे. ह्या चांदण्या यू कॅन यूज द सेम सेंटेन्स. ह्या चांदण्या खूप तेजस्वी आहेत. ह्या चांदण्या खूप तेजस्वी आहेत. दरवाजा 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 बंद करा. दरवाजे दरवाजे माझ्याकडे खूप दरवाजे आहे. माझ्याकडे माझ्याकडे खूप दरवाजे आहे. नो असं सेंटेन्स नाही बोलू शकत आपण. दिस इज लाईक I have many doors. Do you have many doors? No, miss. Yes. तर कसं बोलायचं? आमच्या घराला खूप दरवाजे आहे. ओके. यस मिस. आमच्या घराला खूप दरवाजे आहे. ओके. पुस्तक पुस्तक. मला पुस्तक वाचायला खूप आवडते. पुस्तके आमच्या शाळेत खूप पुस्तके आहे. व्हेरी गुड. प्रदीप्ता जी. यस मॅम. ओढणी. माझ्याकडे एक लाल रंगाची ओढणी आहे. ओढण्या. मी माझ्या ओढण्या व्यवस्थित ठेवते. हॅलो मॅडम. येस. कहाँ तक सुना आपने? बीच में चला गया था लाइन. ओके ओके. तो ओढण्या नहीं सुना हमने. ओढण्या. माझे 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 कपाट मध्ये अनेक ओढण्या आहे. व्हेरी गुड. केळे केळे केळे. मला केळे खूप आवडते. दुकान मध्ये अनेक केळी आहेत. चिमणी चिमणी. चिमणी चह चह करती जो आवाज करती है चिमणी इसको हम लोग क्या बोलते. चिव चिव बोलता है. चिमनी चिव चिव करते. चिमनिया शोरगुल मचाते हैं जो ओरडते है. क्या बोला उसको. हल्ला करते हैं. चिमनिया ओरडता. चिमनिया ओरडता. दिवा दिवा. मी संध्याकाळी दिवा प्रज्वल करते. दिवे दीपावली दिवे चा त्योहार उत्सव आहे. दिवाळी दिव्यांचा उत्सव. दिव्यांचा उत्सव आहे. नेक्स्ट पिशवी आणि पिशव्या. पिशवी. हा पिशवी मध्ये पुस्तक आहे. मला 5 पिशव्या पाहिजेत.
put up your mic. Good. Next, Raman ji. Yes, Raman ji, are you there? Oh, madam. Kats. माझे नहाने घर मध्ये एक काच आहे. माझे ऑफिस मध्ये अनेक काचा आहेत. गुड. देन कावळा कावळे. कावड़ा खूब काव काव करतो. कावड़े खूब काव काव करता. वेरी गुड. खुणा मार्क. मी पुस्तक मध्ये एक खून लगवले. करून ठेवली. हा, मी पुस्तकामध्ये एक खून करून ठेवली आहे. मी पुस्तक मध्ये एक खून करून ठेवली आहे. मी 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 पुस्तके मध्ये अनेक खुना करून केले ठेवले आहेत. ठेवले आहे करून ठेवले आहे. पडदा पडदा पडदे. माझ्या घरी माझ्या रूम मध्ये खूप सुंदर पडदा आहे. माझे घरे अनेक पडदे आहेत. पंखा पंखे. मला एक पंखा द्या. मला पाच पंखे द्या. ओके. तर तुम्ही सगळ्यांनी खूप छान न चुकता वाक्य बोलून दाखवली आहेत. तर यापैकी एक एक टेबल आहे, तो एकच टेबल पूर्ण दिला जाईल आणि त्या टेबल मधील एक वचन आणि अनेक वचन दोन्ही शब्दांचे वाक्य तुम्ही मला बनवून दाखवायचे आहे आणि तो होमवर्क तुम्ही ग्रुपवरच पोस्ट करायचा आहे. ओके. आणि तो तुम्हाला चेक करून ग्रुपवरच दिला जाईल. ओके, समजले सगळ्यांना? एंजल, प्लीज पोस्ट युअर होमवर्क बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर. येस मिस, आय विल डू दॅट. ओके ओके. चला तर आज आपण इथेच थांबूया. कोणाला काही शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकता. डू यू हॅव एनी डाऊट? येस एंजल. Miss, day after tomorrow is my birthday and might be we are going out after that. So I may not be able to complete. I will try my best to do it. Okay, fine. Happy birthday in advance. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Okay. Okay. So if you don't have any doubt, you can leave. Tumhi class left karu shakta. Shubharatri. Good night. Welcome.